जी स्वामी जी, जी स्वामी रिगार्डिंग जी, आज ऑन जी स्वामी जी। हरयो धूम केतवो वात जूता उपद्रवी यतन्ते पृथक अग्नेह। मंत्रार्थ: हरयो हरणशील प्रेरक, धूम केतवो धूम केतु, वात जूता प्रवाहमान सृजनशील तीव्र गति वाले, उपद्रवी प्रकाश के समीप, अग्नेह प्रगतिशील अग्रणी, पृथक नाना प्रकार से यतन्ते यत्न करते हैं। भावार्थ: लोगों के कष्ट हरण करने वाले सज्जनों को हरि कहा गया है। बहुवचन में हरयः होने से इसका अर्थ सज्जन उपासक लिया गया है। एक वचन में हरि परमात्मा को कहते हैं क्योंकि वह एक ही सबके कष्टों का हरण करता है। कित धातु का अर्थ निवास करना तथा पीड़ा दूर करना होता है। केत धातु का अर्थ बुलाना, सम्मुख होना, वार्ता करना होता है। धू धातु का अर्थ कंपन करना है, अतः धूमकेतु का अर्थ कंपित करने वाले जन होगा। इसका अर्थ कंपित अर्थात गतिशील अथवा लचीला रुख रखते हुए लोगों को बुलाकर वार्ता करना भी हो सकता है। भाव यह है निवास या रुख में जड़ता नहीं होनी चाहिए। लचीला रुख तथा समायोजन की भावना रहना व्यवहारिकता की दृष्टि से उचित है। आकाश में विचरण करने वाले धूमकेतु भी इस अर्थ में उचित ही है। धात्वादि निरुक्त: हरयो हरय हरण करना, ले जाना। धूमकेतवो धू कंपन करना, कंपित करना, क्षोभित करना। कित निवास करना, जाना। केत आमंत्रित करना, वार्ता करना। वात जूता वा गति करना, गंधित गंध होना, प्रवाहित होना, प्रवाहित करना। वात गति करना, सुख होना। जू जाना, भागना। जुत शब्द करना, प्रकाशित होना। उप उपसर्ग द्यवी द्यु दयु आगे जाना, समीप जाना। द्युत प्रकाश कर प्रकाशित होना। अग्नेयः अग गति करना, अग्रणी होना। वृथक अव्यय यतन्ते यत यत्न करना, निश्चय करना। ओम खं ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 द्वितीय मंत्र आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम हरयो धूम केतयो, ओम हरयो धूम केतवो वात जूता उपद्यवी यतन्ते पृथक अग्नया। गायत्री छंद है, छोटा सा मंत्र। हरयो हरणशील प्रेरक, हरि हरण करना धातु है, हम सब जानते हैं। परमेश्वर को हरि कहते हैं। हे हरि कसना हरो भ्रम भारी, हे हरि कसना हरो दुख भारी। हम यही कहते हैं कि आप हरि हैं हमारे दुखों का, हमारे भ्रमों का निवारण कीजिए। तो जो हमारे दुखों का, कष्टों का, भ्रमों का निवारण करे वो हरि। तो इस अर्थ में हम परमेश्वर को भी हरि कहते हैं। यहाँ पर हरयः बहुवचन में है तो इसका अर्थ यही हुआ, जो उस हरि के उपासक हैं उनमें भी तो ये गुण होना चाहिए, जो दूसरों के दुख कष्ट भ्रम का निवारण कर सकें। तो उन विद्वान देवजनों को भी हरि कह सकते हैं, इसलिए बहुवचन में आया हरयः। हरयः धूम केतवा, ये धूम केतु का बहुवचन है, बहुत से धूम केतु। अब धूम केतु हम लोग इस समय एक विशेष प्रकार के आकाशीय पिंड को कहते हैं।
इनको भी सौर मंडल का सदस्य माना जाता है, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु ग्रहों के समान व्यवस्थित नहीं है, उनमें नहीं गिने जाते, वो अलग विषय है, हमें उधर नहीं जाना। यहां इतना ही कहना चाहते हैं, एक विशेष आकाशीय पिंड को इस समय हम धूमकेतु कहते हैं, तो धातु अर्थ के अनुसार उनका एक नाम रख दिया गया, तो लौकिक भाषा में जब हम धूमकेतु कहते हैं तो वह विशेष आकाशीय पिंड उसका अर्थ होता है, परंतु वेद में ऐसा नहीं होता। वेद में उसका हम शाब्दिक धातु अर्थ ग्रहण करेंगे, धूम धू धातु का अर्थ कंपन करना, धूम का अर्थ हुआ कंपन, केतवो कित धातु का अर्थ आवास निवास भी होता है, निवास करना, जानना भी है, तो कित धातु का अर्थ निवास करना और जानना है, तो निवासी और विद्वान अर्थ हुआ, केत धातु का अर्थ आमंत्रित करना, वार्ता करना भी है। इन्हीं अर्थों में केतु हम ध्वजा पताका को भी कहते हैं, जो ध्वजा झंडा लगाते हैं उसको भी कहीं कहीं केतु कहते हैं। अर्थ कहीं ना कहीं हमें धातुओं से ग्रहण करना होता है। तो यहां धूम केतु का अर्थ बहुवचन में है, इसका अर्थ कंपन करना, कंपित करना है, धूम का अर्थ कंपन हो गया, केतु का अर्थ निवास करना, जानना, आमंत्रित करना, वार्ता करना है, निवासी विद्वान आमंत्रित करके वार्ता करने वाले, कह सकते हैं कंपन करने वाले, विक्षोभ उत्पन्न करने वाले, समाज की जड़ता को दूर करने वाले, जब समाज में कुछ रूढ़िया अंधविश्वास जड़ता भर जाए, जब समाज कुछ रूढ़ियों में अंधविश्वासों में जड़ हो जाए, तो उसमें एक विक्षोभ कंपन उत्पन्न करने की आवश्यकता हो जाती है। उसके लिए समय समय पर उस विद्वान मनीषी आते हैं, जैसे अपने समय के जड़ समाज को महर्षि दयानंद जी ने विकंपित किया, विक्षुब्ध किया, आंदोलित किया, एक नया मार्ग दिखाया, उस जड़ समाज को एक कंपन दिया, उस जड़ रूढ़वादी समाज को प्रकंपित कर दिया, तो हम उन्हें इस वेद मंत्र के अर्थ में धूमकेतु कह सकते हैं। ऐसे ऐसे धूमकेतु आते हैं समाज में, होने ही चाहिए, तो धूमकेतवा बहुवचन कहा गया है। ऐसे समाज में जब रूढ़वादिता अंधविश्वास जड़ता घर कर जाए, तो उन्हें विकंपित करने वाले, लोगों को आमंत्रित कर वार्ता करने वाले, ऐसे धूमकेतुओं की आवश्यकता हमें पड़ती है। अरे यो धूम केतवो ये वात जूता भी समझना है, वात में वा धातु गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना, प्रवाहित करना, वात धातु भी है, इसका अर्थ भी है गति करना, सुख होना। तो वात का क्या अर्थ हुआ, गति, गंध, प्रवाह, सुख का अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। गति, गंध और प्रवाह वात का अर्थ हुआ, और जूता जू धातु का अर्थ भी जाना, भागना है, जुत धातु का अर्थ शब्द करना, प्रकाशित होना। तो कह सकते हैं गति, गंध, प्रवाह को प्रकाशित करने वाले, शब्द करने वाले, गति, गंध, प्रवाह से युक्त वाणी से समाज को प्रकाशित करने वाले महापुरुषों को, विद्वानों को, देवजनों को हम वात जूता कह सकते हैं,
ये भी बहुवचन में है। उपद्यवी उपसमीप उपसर्ग है, द्यवी इसका अर्थ तो हम लोग जैसे द्यूलोक आदि की चर्चा करते रहते हैं, द्यु द्यु का अर्थ आगे जाना, समीप जाना, अग्रसर होना है, और द्युत धातु का अर्थ प्रकाशित होना है। उपद्यवी समीप प्रकाशित होने वाले, समीप प्रकाश करने वाले, अग्रगामी अग्रणी जन उपद्यवी कहे गए हैं। यतन्ते पृथक अग्नया, यतन्ते यत्न करते हैं, यत्न शब्द समाज में प्रचलित है, अभी भी हम लोग बोलते हैं यत्न करना प्रयत्न करना, तो यत्न और प्रयत्न जो हम कहते हैं वो इस यत धातु से बनता है। यतन्ते यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, बहुवचन में है। पृथक शब्द अव्यय के रूप में है, इसमें कोई धातु नहीं ग्रहण की गई है, इसका अर्थ है नाना प्रकार से, विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से। पृथक अग्नया अग्निगण, यह अग्नि का बहुवचन है। अग्नि सूक्त हमने पढ़े, वहां अग्नि का अर्थ परमेश्वर था, अग्नि का भावार्थ परमेश्वर था। अग्नि का शाब्दिक अर्थ सदा एक सा रहेगा, ये नहीं बदलेगा, सदैव ध्यान रखें। वेद में या लोक में कहीं भी कह लें, जो शाब्दिक अर्थ होता है वह तो एक सा रहता है, शाब्दिक अर्थ नहीं बदलता, व्यवहारिक दृष्टि से उसका भावार्थ बदल सकता है। ये कहीं नाम अनेक व्यक्तियों के हो सकते हैं, शाब्दिक अर्थ सबका समान होगा। तो अग्नया कहा गया है बहुवचन में, तो ये परमेश्वर के लिए नहीं हो सकता, चूंकि बहुवचन में है, परमेश्वर एक है, वहां अग्नि ही कहा गया है। परमेश्वर के लिए एक वचन में अग्नि शब्द आया है, अग्नि का शाब्दिक अर्थ तो वही रहेगा, अग्रणी प्रगतशील, अग्निगतो धातु से गत्यर्थक अग्धातु से अग्नि शब्द बनेगा, अर्थ उसका प्रगतशील अग्रणी ही रहेगा। एक वचन में परमेश्वर के लिए कहा गया, बहुवचन में समाज के अग्रणी विद्वानों देवजनों के लिए कहा गया, यहां पर अग्नया है बहुवचन में है। पृथक नाना प्रकार से जो समाज के अग्नि हैं, अग्रणी विद्वान देवगण हैं, वे विविध प्रकार से यतन्ते यत्न करते हैं। किस लिए यत्न करते हैं? इन गुणों के लिए जो बताया गया है उसके लिए अग्नया इसमें मुख्य विशेष है, और अन्य शब्द इसके विशेषण हैं। हर यह धूम के तवो वात जूता, यह सब इसके विशेषण हैं। तो इस मंत्र की बात तो एक प्रकार से पूर्ण भी हो जाती है। आगे आप लोग जैसा उचित समझें प्रश्न विचार रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और समय अधिक हो, प्रश्न यदि न हो तो पहले भी हम लोग ऐसे कहते थे, कुछ पाठ आदि कर सकते हैं। ये दो मंत्र हैं, एक मंत्र को सब लोग कर सकते हैं, दो मंत्र भी कर सकते हैं। सूक्त में कुल तीन चार मंत्र हैं, ये चार मंत्र कर सकते हैं। तो समय होने पर ये सब प्रयोग हम लोग जैसे करते आए हैं कर सकते हैं। एक मंत्र की व्याख्या आप लोग में से भी कोई कर सकता है, पुलकित जी या अन्य लोग, तो इस प्रकार से समय रहे तो उसका सदुपयोग करें। तो हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग जैसा उचित समझें, जो भी जिसका प्रश्न हो विचार को रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।
किसी का प्रश्न नहीं है तो गुरु जी पार्टी कर लेते हैं। ठीक है, इसी सुक्त का करें गुरु जी या दूसरे का? जो उचित समझे वैसे, जैसे इस सुक्त में चार मंत्र हैं चाहे तो इसी को कर लें। वैसे दूसरे का तुम्हारा क्या मन था? नहीं मेरा कुछ नहीं था, मैं इतने मंत्र ना इसलिए इस सुक्त में चार मंत्र हैं, चार कर लो, चार लोग एक एक मंत्र कर देंगे तो हो जाएगा। तब तक किसी का कोई प्रश्न होगा मन में तो बाद में वो भी ले लेंगे। जी जी गुरु जी, तो इसी को कर लेते हैं। ओम अस्य अजराशो दमाम अरित्रा अर्च धूमासो अग्ने पावका स्वजिति च स्वत्राशो भुवन्यवो वनर्षदो वायवो न सोमः। आगे करते रहिए। हाँ बोलो कोमल, बोलो। ओम ओम हरे धूम केतु बात जूता उपवी वातंते वृथक अग्निवः। हाँ भाई बोले। ओम यजा नो मित्र वरुणा यजा दीवानृतं व्रत अग्ने यक्षि स्वयं दमम। ओम ओम युक्ष्वाय देवहूतमान अश्वान अग्निरथि इव निहोता पूर्व सदः। तो इस सूक्त के चार मंत्र तो हो गए, अब किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। कुछ मन में आया हो इतने समय में कुछ विचार तो बताएं। कोई प्रश्न तो नहीं है फिर? पुलकित कोमल सीताराम जी हैं आपके, आप लोग जो उचित समझे देखें इस समय का कोई सदुपयोग करना है या समापन ही करना है। अभी थोड़ा शोर हो रहा है, अन्यथा मैं व्याख्या कर देता। तो कोई और साथी करना चाहे तो कर सकते हैं व्याख्या, अन्यथा समापन करें। ठीक है स्वामी जी, नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं। मुझे सब यहाँ पर आया है, धूम केतु वात जूता उपद्रवी, तो इसको अपन इस तरह से ले सकते हैं कि जो वायु प्रकाश के लिए वायु से प्रकाशित होता है। मुझे ये प्रतीत होता है कि आपके पास जो दूसरा वेद भाष्य है क्या उससे आप ये अर्थ बताते हैं? हाँ, तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखें, भाष्य बहुत से हैं और अलग अलग भाष्यों के अर्थ जो पढ़ देना तो अटपटा ही लगेगा। धातु अर्थ किसी भी भाष्य में हो यदि वहां पर कोई धातु दी गई है, आप ये कह सकते हैं कि इसमें इस धातु से ये अर्थ भी हो सकता है, तो यह तो बिल्कुल उचित समीचीन होगा। हमारे अर्थ से अलग जा सकता है, हमारे अर्थ से विपरीत जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, स्वागत है, परंतु वो ये स्पष्ट हो किस धातु से क्या अर्थ क्यों किया जा रहा है।
और ये आपसे इसमें हमने कहा सीधा था, सवाल निवेदन है हमारा कि हो सके तो ये मंगा लें, ये पुस्तक यजुर्वेद एकादशी आप मंगा लें, तो दोनों को देख करके हो सकता है थोड़ा आपके लिए भी कुछ अच्छा रहे, हमको भी अच्छा लगेगा। जी बताएं कुछ कह रहे हैं। ओम ये हमारे पास जो है भारतेंद्रनाथ दिल्ली वालों का है, ये उसमें देखिए किसका भाष्य है इसकी चर्चा करना उतना उचित मुझे नहीं लगता, क्योंकि हाँ, वो फिर वो व्यक्ति वाली बात आ जाती है कि इनका लेकिन है उनका है तो अब वो अच्छा होगा। हम किसी को निंदा नहीं करना चाहते, किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, इवन हमारा भाव ये है कि जिसने भी किया है सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, या अभी जो लोग कर रहे हैं, हमारे बाद आप लोग करेंगे, सभी प्रयास उत्तम है। बिल्कुल, बस धातु अर्थ करें। हर्षण जी ने भी ये बात कही है, मुझे बहुत अच्छी लगी कि अर्थ आप जो भी करें वो धातु से दूर नहीं जाना चाहिए, हमारे पुस्तक में धातु अर्थ नहीं है, पदार्थ है और सीधा सीधा एकदम अर्थ है, भावार्थ बस। जी हाँ, तो इसीलिए वो स्वीकार नहीं है हम लोगों को। अच्छा अच्छा, हमें अर्थ सारे स्वीकार हैं, आपको ये बताना पड़ेगा इस शब्द को आप किस धातु से बना रहे हैं, उस धातु का क्या अर्थ है, उस धातु के अर्थ के अनुकूल ही वो अर्थ होगा। हाँ, यदि धातु नहीं तो है तो वो फिर हमारे लिए स्वीकार नहीं है, वो व्यर्थ है। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, तो जैसे बात के लिए तो वायु हो गया, जूत के लिए प्रकाशित होना हो गया, और द्यवी जो प्रकाशमान पिंड है उनके लिए हो गया, तो वही कह सकते हैं जैसी इच्छा। वात का अर्थ वायु कर भी सकते हैं, वही मैंने कहा वो तो फिर अंत है। थोड़ा सा यदि इस बात को आप समझ सकें कि हम लोग जो कहना, चलिए समय है तो थोड़ा सा मैं ये बात थोड़ा स्पष्ट कर दूं, सभी के लिए हो जाएगा आपके लिए नहीं, तो एक कह सकते हैं कुछ लोग पुराने हैं नए हैं जिनको ध्यान है नहीं है, तो आप माइक बंद कर दें, हो सकता है कभी कभी आवाज है ना। तो एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, निश्चित रूप से इतने समय की कक्षा में पहले कहा होगा, फिर भी मुझे लगता है कुछ नए लोग जुड़े हैं, कुछ पुराने लोग भूल गए होंगे, तो स्पष्ट करने वैदिक होना क्या है इसको मैं आज थोड़ा सा स्पष्ट करूं, समय है तो। हम लोग वैदिक हैं, अपने आप को कहते हैं कि भाई हम वैदिक, वैदिक होने से हमारा तात्पर्य क्या है, कौन कितना सहमत या असहमत होगा वो अलग विषय है, हमारा जो विचार है वैदिक होने से, वैदिक होने का हमारा आशय ये है कि वेद ही हमारे लिए प्रमाण है, वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, भारतीय धर्म संस्कृत का मूल आधार है, वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ परता प्रमाण है, तो हमारे लिए वेद ही सबसे पहले है। वेद के साथ आप जितने चाहे ग्रंथ पढ़ें सबका स्वागत है, परंतु वेद पहले है, ये सबसे मुख्य बात ये है कि यदि हम वेद को मुख्य मानते हैं तो हम वैदिक हैं। वेद का अर्थ केवल वेद है, न ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद जैसे ग्रंथ, न कोई मनुस्मृति जैसा ग्रंथ, न हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरण दयानंद जी का सत्यात प्रकाश या कोई ग्रंथ। हम बहुत विनम्रता से बात कहना चाहते हैं, हम सबका आधार वेद है, महर्षि ने यही तो कहा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हमारा परम धर्म है। एक तो मुख्य बात यह है कि वेद और केवल वेद, अन्य कोई पुस्तक नहीं, वो चाहे जो भी हो, वो चाहे किसी की भी हो, एक बात तो मुख्य ये। और दूसरा, जब वेद का अर्थ करेंगे तो सभी विद्वानों ने कहा है, महर्षि दयानंद जी ने उस पर विशेष बल दिया है जिससे लोगों को भ्रम न हो कि वेद के शब्द यौगिक हैं धातु हैं, उनका अर्थ धातु के अनुसार ही होगा, अन्य कोई अर्थ नहीं हो सकता। तो हम जिस बात का ध्यान रखें कि वेद हमारे लिए परम प्रमाण है और वेद के शब्दों का हमें धातु अर्थ करना है, किसने धातु अर्थ किया है वो सारे भाष्य हमें स्वीकार हैं, भले ही वो हमारे भाष्य से अलग हो, हमारे अर्थ के विपरीत क्यों ना हो, व्यक्ति प्रमाण नहीं है, वेद प्रमाण है और वेद मंत्रों में शब्दों का धातु अर्थ प्रमाण है। इस बात को हम लोग सदैव ध्यान रखें,
ये दो बिंदु हो गए, एक तो वेद ही प्रमाण है, दूसरा वेद के शब्दों का धातु अर्थ ही प्रमाण है, और इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूं। वैसे तो ये इन दोनों बातों में सारी बातें आ जाती हैं, किसी तीसरी बात की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बात और स्पष्ट हो जाए तो कह सकते हैं इन दोनों बातों को थोड़ा सा विस्तार व्याख्या देना चाहते हैं। वो ये है कि वेद हमारे लिए प्रमाण है और वेद का हम धातु अर्थ ग्रहण करेंगे। होता क्या है, लोग वेद को इस दृष्टि से पढ़ने लगते हैं कि हमारा जो विचार है वो वेद में कहीं मिलना चाहिए, कहीं भी कोई शब्द कोई मंत्रांश ऐसा मिला जिसमें हमारी बात की पुष्टि होती हुई दिखी तो बस उतने को उठा लिया, देखिए वेद में ये कहा गया है। हम ये बात पहले से कह रहे हैं, बस वेद से समर्थन खोज लिया तो हम तो अब परम ज्ञानी परम विद्वान परम पूज्य स्वयं हो गए। नहीं, हमें ये नहीं करना है कि हमारी जो मान्यता है वो वेद में मिले। हम बिल्कुल कोरे कागज के रूप में हों, जैसे दयानंद जी जब अपने गुरु ब्रजानंद जी के पास गए तो उन्होंने कहा अब तक जो तुमने पढ़ा है वो सब यमुना में फेंकाओ, पुस्तकें विचार जो कुछ तुमने पढ़ा है सब भूल जाओ, बिल्कुल कोरा कागज बनकर आओ, तब हम तुम्हें आर्ष ग्रंथ पढ़ा सकते हैं। यदि पहले से मन में पूर्वाग्रह है कि भाई हमने तो पहले ये पढ़ा है, गुरु जी ने कोई बात बताई तो क्या ये ऐसा हो सकता है, हमने तो फला पुस्तक में ये पढ़ा था, तो गुरु जी बोले तो हम ना पढ़ा पाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी पहले से जो भी मान्यता है, जिसकी जो मान्यता है वो मानता है कि ये मानता सत्य है, तभी तो वो मानता है, उसकी दृष्टि में तो वही परम सत्य है। तो हमें अब ये बन जाना चाहिए कि हमारी अब तक कोई मान्यता है ही नहीं, अब हमने वेद को पढ़ना प्रारंभ किया है, वेद में जो मिलेगा उसे स्वीकार करेंगे, वही हमारी मान्यता है, अन्यथा वेद से पहले हमारी कोई मान्यता है ही नहीं। वो भले ही वेद के अनुकूल ही कोई बात हम क्यों ना मानते हो, परंतु हम ये नहीं कहेंगे कि हम इस बात को मानते हैं। जब वो बात वेद में हमें मिलेगी तब मानेंगे, तब तक हमारी कोई मान्यता नहीं है। मूर्त पूजा के ना हम समर्थक है ना विरोधी हैं, क्योंकि अभी हमने वेद पढ़ना प्रारंभ किया है, वेद में हमें मूर्त पूजा का समर्थन या विरोध अब तक नहीं मिला है। मान लीजिए जब आपको मूर्त पूजा का समर्थन या विरोध मिल जाए तो उसे मान लीजिएगा, ऐसा नहीं कि यदि हम मूर्त पूजा के समर्थक हैं तो वेद में समर्थन वाला शब्द खोजते घूम रहे हैं, कहीं एक शब्द मिल जाए जिससे इसका समर्थन हो जाए। यदि हम मूर्त पूजा के विरोधी हैं तो खोज रहे हैं कहीं कोई एक शब्द मिल जाए जिससे हम कह सकें कि वेद में मूर्त पूजा का विरोध है। तो हमें इस पूर्वाग्रह से बचना है, हम मूर्त पूजा के समर्थक नहीं है, विरोधी नहीं है, हम हवन कुंड के समर्थक नहीं है, विरोधी नहीं है, हम अद्वैत द्वैत त्रैतवाद के समर्थक या विरोधी नहीं है। हम वेद को पढ़ेंगे उसमें अद्वैत मिलेगा तो मान लेंगे, द्वैत मिलेगा तो मान लेंगे, त्रैत मिलेगा तो मान लेंगे, ऐसा नहीं कि हम इस वाद के समर्थक हैं और वेद में खोज रहे हैं कि हमारी मान्यता वाला मिल जाए। हम अद्वैतवादी हैं तो वेद में खोजे कहां अद्वैत मिलेगा, हम त्रैत को मानते हैं तो कहीं से कोई संकेत मिल जाए वेद में, लो भाई वेद में तो यहाँ त्रैत मिल गया। नहीं, एक तरफ से वेद को पढ़ें, स्वतः जब आपको मिलेगा तब उसे माने, ये सभी विषयों में वो चाहे जितना सर्वमान्य सिद्धांत क्यों ना हो, हम बिल्कुल कहना चाहते सर्वमान्य सिद्धांत क्यों ना हो, ईश्वर है या नहीं जब वेद में मिलेगा तब मानेंगे, ईश्वर एक है या अनेक है जब वेद में हमको मिलेगा तब मानेंगे, ईश्वर साकार है या निराकार है जब वेद में मिलेगा तब मानेंगे। हम एक तरफ से वेद को पढ़ रहे हैं, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है अब तक हमको वेद ने मिला नहीं, अब तक नहीं मिला तो हम नहीं मानते, जब वेद में मिल जाएगा तब बिल्कुल मान लेंगे। पुनर्जन्म में पिछले जन्म का क्या क्या आता है क्या नहीं आता है कोई अटकल नहीं लगाएंगे, जब वेद में मिलेगा कि ये बातें अगले जन्म में जाएंगी तो हम मान लेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कोई अटकल नहीं लगाएंगे कि ये बातें पूर्व जन्म से आई हैं और ये बातें अगले जन्म में जाएंगी।
हम इतना जब बिल्कुल पूर्वाग्रह मुक्त हो जाएंगे तब हम वेद को समझ पाएंगे, तब हम वैदिक हो पाएंगे, अन्यथा हर बात में जो हमारा पूर्वाग्रह है वो एक तरह से बाधक रोड़ा बनकर खड़ा रहेगा, हम वेद को समझ नहीं पाएंगे। आज थोड़ा सा समय था, विषय उठा तो मेरे मन में आया मैं अपनी बात ये कह दूं, और मेरे विचार से इतना सांस जो मैंने ये वैदिक होने की बात अंत में कही है इसको आप लोग क्लिप ले लीजिएगा और इसे अलग से लोगों को बताने का प्रयास करें कि ये अधिक से अधिक लोगों में पहुंचे, बहु प्रसारित हो, जिसे आप लोग कहते हैं वायरल करते। तो आज की ये मुख्य बात वेद मंत्र से अलग हटके भी कह सकते हैं, उससे संबंधित भी कह सकते हैं, हमने रखा। कोमल जी कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकते हैं, स्वागत है। ओम जी। गुरु जी एक प्रश्न था कि जैसे अक्सर होता है हम वेदों को मानते हैं लेकिन कभी कुछ ऐसी बातें होती है कि ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है, तो क्या ईश्वर पर विश्वास वैदिकता या अवैदिकता को दर्शाता है? आपकी आवाज भी थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं हम समझ पाए हैं। आपने कहा ईश्वर पर विश्वास भी डगमगाने लगता है, ऐसा कुछ शायद कहना चाहते हैं आप, है ना? तो हाँ, यही आप तो कहना चाहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास टूटने लगता है, डगमगाने लगता है, जो कोमल यही प्रश्न है ना? जी, मैं ये कह रही थी कि मेरा कुछ आशय था कि ईश्वर पे विश्वास या अविश्वास क्या यह दर्शाता है कि वैदिकता या अवैदिकता दर्शाता है, ये कहना चाह रही थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं दर्शाता। हम अन्य ग्रंथों का प्रमाण नहीं मानते, लेकिन यदि हमारी बात कहीं और भी कही गई है तो भी कह सकते हैं। जैसे कहां कहा गया है उस पर मत जाइए, कहा गया है धर्म जिज्ञास मानानाम प्रमाणम परमं श्रुति, धर्मो खिलो वेदो खिलो धर्म मूलम नास्तिको वेद निंदका, जो धर्म को जानना चाहते हैं उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है और वेद ही धर्म का मूल है। नास्तिक कौन है जो वेद की निंदा करता है? नास्तिको इस निंदका नहीं कहा, जिस भी महापुरुष ने कहा ये श्लोक, जिसका भी है, जहां का भी है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, विषय बदल जाए। तो कह रहे हैं वेद परम प्रमाण है और नास्तिक वो है जो वेद का निंदक है, वो ईश्वर का निंदक हो या ना हो कोई बात नहीं, ईश्वर की निंदा करता है तो भी आस्तिक है, यदि वह वेद को मानता है तो उसे आस्तिक कहा गया है। बात वेद के लिए यहां तक कही गई है कि ईश्वर को माने या ना माने, यदि वेद को मानता है तो वो आस्तिक है। अब प्रश्न उठा कि जो वेद को मानता है क्या वो ईश्वर को नहीं मानेगा? स्वाभाविक है, जो वेद को मानता है, वेद का स्वाध्याय करेगा, वो ईश्वर को जानेगा भी मानेगा भी, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान लेगा, समझ लेगा, अनुभव कर लेगा, तब ईश्वर से उसकी आस्था विश्वास कभी नहीं डिगेगा। इसको इस रूप में समझें, यदि उसने वेद को जाना नहीं है, समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, और उसने इतना सुन रखा है कि हाँ ठीक है भाई वेद हमारा ग्रंथ है तो हम भी वेद को मानते हैं, तो ईश्वर से उसका विश्वास डिग सकता है, इसको यूं हम कह सकते हैं। लेकिन जब उसने वेद का स्वाध्याय किया है, वेद के माध्यम से उसने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान लिया है, समझ लिया है, अनुभव कर लिया है, तो फिर ईश्वर से विश्वास डिगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि हमारी बात आप तक पहुंची हो, आप समझ पाए हो, तो बताएं जो भी कहना चाहते हो। जी गुरु जी, आगे समझ, धन्यवाद। इसको बस इतना कहकर समापन करेंगे कि समस्या तब आती है जब हम जानते नहीं हैं और मान लेते हैं। जब बिना जाने कोई बात मान लेंगे तो संशय बना रहेगा, भाई किसी ने कुछ कहा और हमने उसकी बात मान ली,
मैंने कोई बात कही आपने मान लिया चूंकि आप हमारा सम्मान करते हैं, तो उसमें आपको संशय बना रहेगा। हाँ स्वामी जी ने कहा था बात तो ठीक है भाई, स्वामी जी गलत क्यों कहेंगे, स्वामी जी कह रहे थे तो ठीक ही होगा, लेकिन कहीं कोई थोड़ा सा भी आपको इधर से उधर कोई बात जानने समझने में अनुभव में आई तो हमने कहा नहीं कहा तो था उन्होंने लेकिन ये ऐसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप उस बात को स्वयं जान लेंगे, समझ लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि स्वामी जी ने कहा था इसलिए ठीक है, तब आप कहेंगे मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, ये मेरा अनुभव है इसलिए ये बात ठीक है, फिर उससे विश्वास आपका कभी नहीं टिकेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं, वैदिक लोग कहते हैं कि ईश्वर को मानो नहीं जानो, ये महत्वपूर्ण है। ईश्वर को मानना महत्वपूर्ण नहीं है, जानना महत्वपूर्ण है। और जितने ये सांप्रदायिक मतावलंबी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन आदि, वो कहते हैं मानो, ऐसा कहा गया है, ये हमारी धर्म है, परंपरा है, ये हमारा आस्था है, विश्वास है, इसमें तर्क नहीं करते, इसमें कोई बात नहीं करते, ये तो बस ऐसा ही है, इसे मान लो, इसे मानना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है वहां आस्था विश्वास दिखेगा, क्योंकि वो कहते हैं जानने की आवश्यकता नहीं है, पर जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, मान लो। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं पहले जान लो, जब अच्छी तरह जान लो, समझ लो, अनुभव हो जाए, तब मानो, और जब तब मानोगे तब विश्वास कभी नहीं डिगेगा। तो आज प्रसंग बस एक अच्छी बात हुई, और इस बात को आप लोग प्रयास करिएगा कि जो ये चर्चा हुई है इसको अलग से भी बना लीजिएगा और इसको समूहों में हम दें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, महत्वपूर्ण बात है, प्रसंग बस हो गया तो अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग समापन करें, पर्याप्त समय हो गया है। ओम जी गुरु जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते, सादर प्रणाम। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। बोलिए हरि जी, बोलिए। सो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम खं ब्रह्म। कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम।